दोस्तों नमस्कार, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे, स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की बात करेंगे, IRFC की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 48-49 रुपीज़ में है 24 अगस्त 2023 को। डिविडेंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों, कंपनी ने मई के महीने में 70 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था। तो रिकॉर्ड डेट और कब तक पेमेंट हो जाएगा कोई अपडेट नहीं था, अब अपडेट आ गया है। तो आपके पास इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्टॉक है, मई के महीने में स्टॉक काफ़ी नीचे की तरफ था, 30 से 35 रुपए के बीच था, अब बढ़कर ऊपर की तरफ 50 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है दोस्तों, 49 रुपीज़ में है 24 अगस्त 2023 को। तो डिविडेंड की जानकारी ले लेते हैं इस वीडियो में और शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। देखिए 70 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया था 25 मई 2023 को। तो आपके पास 100 शेयर हैं या एक है या हज़ार हैं या उससे ज़्यादा हैं तो इनटू 70 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है दोस्तों। लेकिन इसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होती है और ये जो अपडेट आया है 23 अगस्त 2023 को आया है, रिकॉर्ड डेट एंड डिविडेंड पेमेंट फ्राइडे 15 सितंबर 2023 रिकॉर्ड डेट होगा, एक्स डेट भी 15 सितंबर 2023 होगा दोस्तों। तो 70 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलने वाला है IRFC के निवेशकों को। आपके पास 100 शेयर हैं या हज़ार हैं या एक है, इनटू कर लीजिएगा 70 पैसा। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है, फिक्स डेट होती है 15 सितंबर 2023, रिकॉर्ड डेट है, एक्स डेट भी 15 सितंबर 2023 होगी दोस्तों। अब देखिए जिन्होंने 14 सितंबर 2023 से पहले खरीदारी की होगी, बाइंग की होगी, वो निवेशक एलिजिबल होंगे। जैसे कि रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट का मतलब ये होता है कि इस दिन तक डीमैट में हमारे शेयर्स होने चाहिए। डिविडेंड का जो पेमेंट होगा दोस्तों उसका जो अपडेट है 22 सितंबर 2023 को AGM होगा, एनुअल जनरल मीटिंग होगी कंपनी की, इसके 30 दिन के अंदर डिविडेंड का पेमेंट होगा। तो ये डिविडेंड की जानकारी है, डिविडेंड का डिटेल है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, ग्राफ के अनुसार बात करते हैं। देखिए ये IRFC का ग्राफ लगा हुआ है, एक साल का ग्राफ है, पिछले एक साल में निवेशकों को 134% का रिटर्न दिया, ज़बरदस्त तेज़ी रही। पिछले साल अगस्त के महीने में ये 21 रुपीज़ में था और देखिए धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ गया, स्पेशली जो तेज़ी आई है इसमें दोस्तों 34.45 रुपये में था ये 25 जुलाई 2023 को, एक महीने के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी है इसमें, 49 रुपये के आसपास ये कारोबार कर रहा है 24 अगस्त 2023 को, और जो हाई बनाया है 52 वीक जो हाई है 52.70 रुपये है, लो है 20.80 रुपये। तो एक अच्छी तेज़ी रही है IRFC में। अब आगे की बात करते हैं, देखिए स्टॉक है 49 रुपये में, खबर भी आपने सुनी होगी OFS के वजह से इसमें गिरावट भी रही है। तो जैसे कि डिविडेंड मिलने वाला है निवेशकों को, थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी बन सकती है ऊपर की तरफ, 52.70 रुपये को ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ 57 से 60 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, 57 से 60 रुपीज़ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जिनको डिविडेंड लेना है स्टॉक भी ऊपर की तरफ है, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। और जिन्होंने देखिए एक तरह से लॉन्ग टर्म से स्टॉक को रखा है 47.25 रुपया या 46 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। अब देखिए जो निवेशक हैं वो स्टॉप लॉस तो नहीं लगाते हैं, जो ट्रेडर हैं तो 46 या 47 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए जिन्होंने लोअर लेवल पे खरीदा है। स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो अपना स्टॉप लॉस बढ़ा लेना चाहिए। तो दोस्तों ये IRFC का जो चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार रेजिस्टेंस सपोर्ट है और जो ट्रेंड बना हुआ है बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। डिविडेंड दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा 70 पैसा पर इक्विटी शेयर के हिसाब से, थोड़ी बहुत इसमें तेज़ी रह सकती है और आगे जो खबरें रहेंगी उसी के अनुसार फिर स्टॉक चलेगा भी। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।